हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंटरिम बजट के बारे में, क्योंकि आज ही ये प्रेजेंट हुई है पार्लियामेंट में, इंटरिम बजट 2019-20 की. तो इसको हम लोग पूरे डिटेल से देखने वाले हैं. वैसे भी ये आपकी जो पीडीएफ है ये पीआईबी की है, तो पूरी तरीके से इसमें रॉ मटेरियल दी गई है. कोई भी आपको तेल मसाला जो होता है ना, उस तरीके की चाट मसाला वाली कोई न्यूज़ नहीं है. ये आपको पूरी तरीके से रॉ मटेरियल मिलेगी. इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहाँ से जाके इसे पढ़ भी सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो एग्जाम से पहले. ओके, लेकिन पहले यहाँ पे आप समझ लो कि बातें क्या कही गई है और इस बार इंटरिम बजट क्यों आया है, यूनियन बजट और जनरल बजट क्यों नहीं आया है. तो इसके बीच में भी मैं डिफरेंस बता देती हूँ. इंटरिम बजट होता है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो यूनियन बजट दिया जाता है वो पूरे एक फिनेंशियल ईयर के लिए होती है, यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अभी क्या है कि 2019 मई में इलेक्शन होने वाली है, जनरल इलेक्शन होने वाली है. तो मे भी अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है, तो इट मे भी कि वो चेंज हो जाए 2019 मई के बाद, इलेक्शन के बाद. कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं, लेकिन अब क्या है कि हमारा फिनेंशियल ईयर कम्प्लीट होने वाला है 31 मार्च को, और जो पहले हमारा बजट बना था तो वो 31 मार्च को, मार्च तक ही ना बना था, लेकिन हमें तो अभी अप्रैल भी चलानी है, मई भी चला ली है. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इंटरिम बजट लेकर आती है, जिसमें कि वो और आगे का 2-3 महीने का अपनी जो खर्चा करने वाले हैं, कुछ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बजट पे फंड को तय कर दिया जाता है. ओके, तो इसलिए ये इंटरिम बजट आई है इस बार, आप जनरल बजट नहीं आई है. आप लोग में भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, न्यूज़ में इतना कुछ देख रहे हैं, तो यही बस एक डिफरेंस है. ओके, जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी या फिर बीजेपी की ही गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो जाएगी 2019 में इलेक्शंस के बाद, तो वो फिर अपना एक न्यू बजट लेकर आएंगे, तो उस समय फिर हम लोग न्यू डिस्कशन करेंगे. ओके, लेकिन यहाँ अभी छोटा सा बजट है, इसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या कर चुके हैं गवर्नमेंट, क्या क्या करना चाहते हैं, और पॉलिसीज में क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कहाँ कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कितना एलोकेट करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग हर एक सेक्टर में यहाँ पे देख लेंगे. ओके, तो इस समय आपका होने वाला है बजट बहुत ही शॉर्ट, और इंटरिम बजट के टाइम पे आप मेजोरिटी आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश नहीं किया जाता है. ओके, तो इसलिए आपको कल के डेट में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है जो कि प्रीवियस ईयर के बारे में पूरी तरीके से डेटा पब्लिश करता है, और आपका बजट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बताता है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है. तो कल तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश नहीं हुआ जस्ट बिकॉज, क्योंकि इंटरिम बजट था. ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या इकोनॉमिक सर्वे देगा? अगर मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो फिर वो उस समय जब गवर्नमेंट आ जाएगी, वो ओथ ले लेगी, पार्लियामेंट में आ जाएगी, तो उसके बाद उस समय यहाँ पर आपका इकोनॉमिक सर्वे भी देखने को मिलेगा और अच्छा से एक यूनियन बजट भी देखने को मिलेगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. कल मेरी एक लेसन आई थी जिसमें कि मैं एक टर्म्स आपको बता दी थी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बजट से रिलेटेड, तो वो सारी टर्म्स की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी. मैं इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, कि जिससे आपको टर्म्स जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बजट में वो सारी क्लियर हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे जो इंटरिम बजट है आपका 2019-20 का, ये प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा आज ही, यानी 1 फरवरी 2019 को, और इसमें काफ़ी मेजर स्कीम्स देखने को मिला है फार्मर्स के लिए, यानी किसान के लिए, और इनकम टैक्स सोप्स के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. जो इंटरिम बजट है ये आपको देखने को मिलेगा कि एक मीडियम है जिसके थ्रू जो प्रोग्रेसिव पाथ होता है ना कंट्री का, वो देखने को मिलता है, ऐसा फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है. ओके, तो अभी जो है श्री पीयूष गोयल ने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट जो है अभी एक डाउन एवरेज इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है 4.6% का, और यहाँ पे लोअर भी देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन. अगर हम लोग इस प्रीवियस गवर्नमेंट की टेन्योर में देखें तो इन्फ्लेशन भी कम रहा. ओके, ऐसा इनका कहना था. अब इंटरिम बजट 2019-20 का जो है ये प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में, और ये प्रेजेंट किया गया है श्री पीयूष गोयल के द्वारा. ओके, जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेलवे एंड कोल के है, ये भी आपको याद रखना है. और यहाँ पे अब हम लोग मेजर स्कीम्स की तरफ से बढ़ते हैं. पूरी डेटा को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या पब्लिश की है. तो मेजर स्कीम्स में है, न्यू स्कीम्स आया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी पीएम किसान. इसको एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा कितने रेट का, 6,000 पर ईयर हर फार्मर्स फैमिली को दिया जाएगा, जहाँ पे जिनके पास कल्टीवेबल लैंड होंगे कितना का, 2 हेक्टेयर्स का. ओके, यानी किसी भी फार्मर्स के पास अगर 2 हेक्टेयर का उनके पास लैंड है जिसमें कि वो कल्टिवेट कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो उनको हर साल जो है 6,000 का उनको पैसे दिए जाएंगे, इनकम, डायरेक्ट इनकम दी जाएगी. और ये किसके अंदर हो रहा है, एक न्यू स्कीम लेकर आया है पीएम किसान. ओके, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. जब इंटरिम बजट रिप्रेजेंट हो रहा था 2019-20 में, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस,
कॉरपोरेट अफेयर्स, रेलवे एंड कोल जो कि श्री पीयूष गोयल है, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम जो कि पीएम किसान है, जिसमें कि 75,000 करोड़ जो है वो दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए और 20,000 करोड़ जो है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम कितनी है तो 6,000 पर एनम है। यहाँ पे बेनिफिट होगा आपके 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के फैमिलीज़ को जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है अप टू 2 हेक्टेयर्स, और डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा उनके बैंक अकाउंट में और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे होगा, यानी डायरेक्ट इनको 6,000 नहीं दिया जाएगा, इनके पास इंस्टॉलमेंट में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनको 6,000 दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, 31 मार्च को इनको मिलेगा, इसी साल इनको मिलेगा 75,000 जो है इनके 2019-20 में होगी और 20,000 जो है वो आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट लगाया गया था 2018-19 में। यानी टोटल जो है आपको इतना बजट देखने को मिलेगा और इनको जो है 3 बार में इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दी जाएगी। इसमें क्या है कि आपको एक सस्टेन्ड और फोकस्ड अटेंशन देखने को मिलेगा जो कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़, जो फिशरीज़ के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि फिशरीज़ के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगा कि इंगेज हो रहे हैं इस बिज़नेस में, तो इसलिए इस तहत से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ वो नया लेकर आना चाहते हैं। फिनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि ये जो मेज़र है इससे गवर्नमेंट चाहती है कि वो और फर्दर ग्रोथ हो सके इस फिशरीज़ डिपार्टमेंट में, अप टू 7% जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं लाइवलीहुड, जिसमें कि आपको 1.45 करोड़ जो है इसमें डिपेंडेंट होते देखेंगे इस सेक्टर में लोग। फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फार्मर्स के लिए, जिसमें कि वो कुछ एक्टिविटीज़ को परस्यू करेंगे जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशरीज़ हो गई, जिसमें कि वो लोन देंगे किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब देखते हैं ये इंटरिम बजट में क्या कहा गया है। जितने भी फार्मर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे, अगर वो अफेक्टेड होंगे कोई भी सेवरल नेचुरल कैलामिटीज़ से तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के द्वारा, और यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 2% का, और रीपेमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा 3% इंटायर पीरियड ऑफ रीशेड्यूलमेंट ऑफ देयर लोन्स, यानी उनका जो लोन का रीशेड्यूलमेंट किया जाएगा उनका 3% जो है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब देखते हैं एलोकेशन किया गया है 750 करोड़ राष्ट्रीय गोकुल मिशन्स में, जिसके थ्रू जो है वो इस करेंट ईयर्स में ये आपका अनाउंस किया गया है। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू जो सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशंस है ना काउ रिसोर्सेज के लिए और इनके प्रोडक्शंस को इन्हांस करने के लिए और काउ की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे आपका क्या सेटअप होगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये भी आपको याद रखनी है। फिर पर्सनली बेनिफिट जो देने को मिला था यहाँ पे एटलीस्ट 10 करोड़ लेबरर्स को और वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, तो इस न्यू स्कीम के तहत उनको मिलेगा जो कि है प्रधानमंत्री श्रम योगी मांगधन। ये आपको याद रखना है जो कि अनाउंस्ड हुआ है। फिनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ही ये एक लार्जेस्ट पेंशन स्कीम बन जाएगा वर्ल्ड का। यहाँ पे आपको 500 करोड़ जो है इस स्कीम्स के लिए एलोकेट किया गया है, एडिशनल फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो, और ये स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी ईयर से। यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मांगधन है, इसमें आपके एटलीस्ट 10 करोड़ जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम किए जाते हैं, उनको पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। टैक्स बेनिफिट देखते हैं तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो है उनको टैक्स एनुअल करना पड़ेगा इनकम अप टू 5 लाख, अगर वो 5 लाख तक उनका इनकम है तो उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी टैक्स से छूट दिया गया है। फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पर्सन्स जो है जिनका ग्रॉस इनकम अगर 6.5 लाख है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इनकम टैक्स को पे करें। एडिशनल डिडक्शन देखिए, जैसे कि होम लोन में इंटरेस्ट होगा तो वो आपका 2 लाख तक हो सकता है इंटरेस्ट, अगर एजुकेशन लोन में देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस में और मेडिकल एक्सपेंडिचर में जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, तो वो भी इंटरिम बजट में प्रोवाइड किया गया है। टैक्स बेनिफिट देखें तो यहाँ पे 18,500 करोड़ का जो है वो प्रपोज किया गया है, जिसके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा एक एस्टिमेट 3 करोड़ मिडिल क्लास को और स्मॉल टैक्स पेयर्स को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि खुद का बिजनेस चलाते हैं, स्मॉल बिजनेस है उनका, स्मॉल ट्रेडर्स है या फिर सैलरी अर्नर है या फिर पेंशन है या फिर सीनियर सिटीजन्स है।
सैलरीड पर्सन्स के लिए देखिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो रेज़ किया गया है आपका 40,000 से लेकर 50,000। ओके, पहले 40,000 था लेकिन अब 50,000 कर दिया गया है। तो इसमें आपको प्रोवाइड दिया गया है एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट, जिसमें कि 4,700 करोड़ जो है आपको 3 करोड़ सैलरी से ऊपर है तो आपको ये जो है डिडक्शंस है 4,700 करोड़। ओके, एग्जेम्पशंस अगर देखें, छुटकारा जो कि आपका इनकम टैक्स लगाया गया है किसी नेशनल रेंट पे जो कि सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, तो वो भी ये न्यू प्रपोज किया गया है। ओके, TDS अगर थ्रेशोल्ड देखे तो ये इंटरेस्ट अर्न जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में होता है तो ये भी रेज किया गया है, 10,000 से अब 14,000 होगा। TDS थ्रेशोल्ड अगर डिडक्शंस देखे टैक्स पे रेंट का तो ये भी प्रपोज किया गया है और इसके थ्रू भी इंक्रीज हुआ है आपका 1,80,000 से 2,40,000 पे। ओके, जो कि टैक्स पेयर स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया गया है। सिंप्लीफिकेशंस देखे तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में किया गया है। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब हम लोग कल देखे थे। तो यहाँ पे एसएस फ्रेंडली आईटी डिपार्टमेंट होगा जिसमें कि सारी रिटर्न्स को प्रोसेस किया जाएगा 24 आवर्स में और यहाँ पे रिटर्न भी इशू किया जाएगा। 2 साल में देखे तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन और जो असेसमेंट होगा रिटर्न्स का वो भी स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट होगा। इंक्रीज देखे तो टैक्स कलेक्शंस में अगर 2013-14 में देखे तो ये 6 लाख के अक्रॉस होता था, अप्रॉक्स होता था, अब ये बढ़कर 12 लाख हो गया है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइल देखे तो ये भी आपका बढ़ गया है, 3.79 करोड़ था जो कि आज के डेट में 6.85 करोड़ हो चुका है, यानी 80% ग्रोथ देखा जा रहा है टैक्स बेस में। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो फिनेंस मिनिस्टर ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गई है जिसके थ्रू वो एवरेज इन्फ्लेशन को 4.6% से भी नीचे रखने की कोशिश की है इस 5 सालों में, जो कि अब तक का सबसे लोअर इन्फ्लेशन देखा जा रहा था इस गवर्नमेंट की टेन्योर में, यानी बीजेपी की 5 साल का अगर देखें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की रेट सबसे ज़्यादा कम रही है। इन्फ्लेशन अगर दिसंबर 2018 देखें तो वहाँ पे 2.19% से भी कम रहा है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन हमारा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कम रहा है। उसके बाद अगर हम लोग फिनेंशियल डेफिसिट देखें तो फिनेंशियल डेफिसिट भी यहाँ पे आपका कम हुआ है, 3.4% हुआ था जो कि 18-19 में था। ओके, जो कि हाई था ऑलमोस्ट 6%, 7 ईयर्स से बहुत ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा था। तो ये फिजिकल डेफिसिट क्या है ये भी मैं कल डिस्क्राइब आपको अच्छे से कर चुकी हूँ, आप वो लिसन देख लो। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है यहाँ पे आपका हाई था 5.6%, 6 सालों से ये बहुत हाई था, लेकिन अब इसको कम करके 2.5% जो कि हमारा इस साल जीडीपी का जो है इसमें ये फिट बैठ रहा है। ओके, इतना तक आ चुका है हमारा 2.5% तक, यानी हर चीज़ जो है ये डिक्रीज़ करने की कोशिश की है, फिजिकल डेफिसिट भी और कैड को भी। ग्रोथ और एफडीआई की बात करें तो फिनेंस मिनिस्टर ऐसा कहते हैं कि जो स्टेजेस था हाई ग्रोथ का एक डिकेड से यानी 10 साल से तो वो भी अभी आया है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन पाथ ब्रेकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हुआ है वो 5 सालों में ऐसा हुआ है, जिसमें कि आपको जीएसटी देखने को मिला और टैक्स रिफॉर्म देखने को मिला। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इन्हेंस देखें कि कुछ मेजर स्कीम्स में यहाँ एलोकेशन इन्हेंस किया गया है, यानी एलोकेशंस देखें तो 60,000 करोड़ जो है वो मनरेगा के लिए किया गया है और यहाँ पे बजट एस्टिमेट लगाया गया है 2019-20 के लिए। ओके, यानी मनरेगा के लिए यहाँ पे पैसे बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देखें तो यहाँ पे एलोकेट किया गया है 19,000 करोड़ जो कि आपका 19-20 बजट एस्टिमेट किया गया है और ये आपका 18-19 में कितना था तो 15,500 करोड़ था, आज के डेट में यहाँ पे कितना लगाया गया 19,000 करोड़। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्च 2019 तक जितने भी हाउस होल्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा, 143 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू एक मिशन चलाया गया था, उसमें आपका 50,000 करोड़ तक जो है वो सेव किया गया है पुअर और मिडिल क्लास के लोगों का। तो इतने सारे एलईडी बल्ब्स जो प्रोवाइड की गई है इनसे जो है पुअर और मिडिल क्लास के फैमिलीज़ को 50,000 करोड़ का जो है उनका सेविंग किया गया है। यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम भी चला था जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत, जिन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है 50,000 करोड़ पीपल्स को हमारे कंट्री में, और यहाँ पे 10 लाख पेशेंट्स जो है ऑलरेडी इससे बेनिफिट उठा चुके हैं और यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट ले चुके हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और यहाँ पे उनको जो कॉस्ट दिया गया है वो 3,000 करोड़ दिया गया है। ओके, और लैक ऑफ पुअर और मिडिल क्लास पीपल की बात करें तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट ले चुके हैं, जिनके थ्रू उनका जो एसेंशियल मेडिसिन है, कार्डिक स्टेंट है, नी इम्प्लांट है और जो मेडिसिन की अवेबिलिटी होती है उनमें भी उनको अफोर्डेबल प्राइस से रिडक्शन प्राइस में भी उनको मिला है, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मिला है। ओके, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आपको याद रखना है, यहाँ पे सस्ते दामों पे मेडिसिन मिलती है तो काफ़ी लोगों को यहाँ से फ़ायदा भी हुआ है।
आगे बताते हैं कि 14 यानी 14 ऑफ द 21 एम्स जो ऑपरेट हो रहा है आज के डेट में, और ये इस्टेब्लिश किया गया है हमारे कंट्री में, और ये अनाउंस्ड हुआ था 2014 से, और यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि एक न्यू सेटअप होगा, यानी 22nd अगर एम्स देखे तो वो हरियाणा में सेटअप होगा। यानी 21 एम्स सेटअप करने की बात की थी, जिसमें से कि 14 जो है आज के डेट में ऑपरेट हो चुका है, और 22nd एम्स कहाँ बनेगा, तो वो हरियाणा में बनेगा। अब मैसिव स्केल अप ऑफ हेल्थ केयर देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था। यहाँ पे बेनिफिट हुआ है 10 लाख पेशेंट्स को। यहाँ पे आपका मेडिसिन जो है अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हुआ है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से। यहाँ पे प्राइसेस जो है एसेंशियल मेडिसिन, कार्डिक स्टेंट और नी इम्प्लांट का वो भी रिड्यूस हो गया है। 21st एम्स जो है वो ऑपरेट हो चुकी है, 14 जो है अनाउंसड हुए थे 2014 में, और 22nd एम्स जो है अब हरियाणा में सेटअप होगी। ओके, तो यहाँ पर इतनी बातें की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं ICDS जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, इसमें कितना एलोकेशन किया गया है। तो 2018-19 में यहाँ पे 23,000 करोड़ दिया गया था, जो कि 2019-20 की बात करें तो यहाँ पे बढ़ा के 27,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी एलोकेशन से यहाँ पे बढ़ाई गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं जो नीति आयोग के अंदर जो कमेटी है वो सेटअप कर रही है कि एक कंप्लीट देखा जाए, जो भी डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ की जो टास्क थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो यहाँ पे सेटअप किया गया है, ताकि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इन लोगों को अभी भी ऐसी तरीके से क्लासीफाइड करके नहीं रखा जाए। वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर, तो वो भी एक सेटअप की है जिसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करनी चाहती है जो भी वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम हो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। ओके, तो ये ट्राइबल लोग होते हैं जिनको कि इस तरीके से क्राइटेरिया में बांट दिया गया है। तो अब नेक्स्ट बताया जा रहा है यहाँ पे उज्ज्वला योजना ओके, जिनका एम था कि वो 8 करोड़ जो है फ्री LPG कनेक्शंस को वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 6 करोड़ कनेक्शंस जो है ऑलरेडी उनको दिया गया है, और रिमेनिंग जो है वो फ्री गैस कनेक्शंस जो है बाय नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी टोटल 8 करोड़ देना है। वीमेन डेवलपमेंट में अगर देखें तो वीमेन लीड डेवलपमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे सिक्योर है हेल्थ हर एक होम मेकर के लिए, जहाँ पे 6 करोड़ फ्री LPG कनेक्शंस दिया गया है उज्ज्वला योजना के तहत। यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग जो है बेनिफिशरीज आपको दिखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि वीमेन है। 70% से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज है वो वीमेन है। बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है मैटरनिटी लीव जो कि 26 वीक का हो गया है, पहले ये आपका 14 वीक था, अब इसको बढ़ा के 26 वीक कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है, जिनको फिनेंशियल एम्पावरमेंट दिया गया है, जिसके थ्रू उनका इंक्रीज देखने को मिल रहा है पार्टिसिपेशन वर्क में। अब इसके आगे बात करें तो फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो कि डेवलप होगा बहुत जल्दी, और ये नेशनल प्रोग्राम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोग्राम होगा उसका पार्ट होगा। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी वर्क किया जा रहा है, इस पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है हमारे बैकबोन को, और यहाँ पे ऑपरेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें जो एयरपोर्ट आज के डेट में ऑपरेशन में है, तो ये आपका 100 क्रॉस कर चुका है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो आज के डेट में डबल हो गई है लास्ट 5 ईयर से। इंडिया जो है वो आपका फास्टेस्ट हाईवे कंट्री बन चुका है, जिसमें कि वर्ल्ड 27 किलोमीटर्स जो है ईच डे बनाया जा रहा है आपका रोड। ओके, हाईवे बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो भी स्टक था डिकेड से, यानी 10 सालों से जो भी प्रोजेक्ट रुका हुआ था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंटेनर फ्रेट मूवमेंट देखें तो ये भी स्टार्ट हो गया है इनलैंड वाटरवेज में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। कैपिटल सपोर्ट अगर देखें बजट से इंडियन रेलवे के लिए, तो वो प्रपोज किया गया था 2019-20 के लिए प्रपोज किया गया है 64,000 करोड़। ओके, और रेलवे ओवरऑल अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम देखें तो ये 1,58,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रेलवे पे बात करते हैं जो कि बैक ऑन ट्रैक हो चुका है, तो कैपिटल सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है बजट में, जिसमें कि 64,000 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। सेफेस्ट ईयर है अपने हिस्ट्री में, और अनमैंड लेवल क्रॉसिंग भी देखने को मिला है, जो कि बोर्ड गॉज नेटवर्क एलिमिनेट हो चुका है, यानी ब्रॉड गॉज नेटवर्क होता था, इसको एलिमिनेट करके अनमैंड लेवल क्रॉसिंग लगाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लॉन्च किया गया है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के साथ, इसमें स्पीड भी अच्छी है, सर्विस और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, वंदे भारत एक्सप्रेस ये आपको याद रखना है। अब अगर रेलवे बजट थोड़ा बहुत देख ले तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, और ये आपका 17-18, 18-19, 18-19, फिर 19-20, यानी पहले 17-18 में इतना था, थोड़ा बढ़ गया था 18-19 में, फिर 18-19 में दोबारा जब रिवाइज्ड किया गया था, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, तो और दिया गया था इसमें इतना। उसके बाद अगर आज के डेट पे देखें तो आज भी थोड़ा बढ़ाकर आपका यहाँ पे 1,035 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो थोड़ा सा रेलवे की कंडीशंस को सुधारने के लिए यहाँ पे रेलवे में जो बजट है वो इंक्रीज़ किया गया है। उसके बाद अगर बात करें
आगे देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया गया है। तो बजट एट ए ग्लांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कितना रेवेन्यू था, कितना कैपिटल था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली है नहीं, तो आप प्लीज़ इनको इन सारी डेटा को इग्नोर मार सकते हो। ओके, अब न्यू अनाउंसमेंट हम लोग देखते हैं कि है क्या। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि न्यू अनाउंसमेंट है क्या। तो फार्मर्स के लिए अगर देखें तो 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा ईयरली इनकम 6,000 रुपीज़ का, जो हम लोग देख चुके। यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंक्रीज़ किया गया है 750 करोड़ तक। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो सेटअप किया जाएगा। काउ रिसोर्सेज के लिए न्यू सेपरेट डिपार्टमेंट बनाई जाएगी। फिशरीज़ जो कि 1.5 करोड़ फिशर्स मैन के वेलफेयर के लिए 2% इन्वेस्टमेंट होगा फार्मर्स में, और यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशंस देखे तो 2% होगा अगर कोई भी डिजास्टर आई तो। लेबर के लिए क्या है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मांग धन योजना है, जिसमें कि फिक्स्ड मंथली पेंशन जो है इंश्योर किया जाएगा 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। 3,000 जो है पर मंथ दिया जाएगा अगर 60 साल का एज हो चुका है तो, और यहाँ पे आपको सिर्फ 100 से 55 पर मंथ दिया जाएगा। ओके, हेल्थ में बात करें तो यहाँ पे 22nd एम्स बनने की बात की गई है। हरियाणा में मनरेगा में भी आपका जो है एलोकेशन बढ़ाया गया, 60,000 हो गया। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल देखें तो 5 लाख तक को एग्जेम्प्ट किया गया है, और यहाँ पे 23,000 करोड़ टैक्स रिलीफ दिया गया है। कितने, 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर को। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, फिस्कल प्रोग्राम भी हम लोग देख चुके हैं। पुअर और बैकग्राउंड क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट राइट जो है वो रिसोर्सेज पे दिया गया है जो कि पुअर के पास होना चाहिए। 25 एडिशनल सीट्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, जो कि आपका 10% रिजर्वेशन अभी दिया गया है। अपर कास्ट में जो एजुकेशनली बैकग्राउंड है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, 25% एडिशनल सीट देखने को मिलेगा। टारगेटेड एक्सपेंडिचर किया जाएगा जिसके थ्रू अर्बन और रूरल डिवाइड जो हो चुका है, और जिसमें जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। जितने भी हाउस होल्ड हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा मार्च 2019 में, यानी कंप्लीट हाउस होल्ड को यहाँ पे कवर किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया गया है 21% से, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 21% से यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो एयर मैप में आएगा रिसेंटली। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इंडिया रेल मैप में होगा फर्स्ट टाइम। ओके, यानी कंटेनर कार्गो मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसके थ्रू नेविगेशन सेट कैपेसिटी जो है ब्रह्मपुत्र में भी इम्प्रूव होगी। वल्नरेबल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे न्यू कमेटी जो है नीति आयोग के अंदर फॉर्म किया गया है, जिसमें कि आपका डी नोटिफाइड और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को अब अलग करने की बात नहीं हो, उनके आइडेंटिफिकेशन पर काम किया जाए। ओके, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस बजट जो है वो आपका 3 लाख करोड़ जो है वो पहली बार बढ़ा है, यानी हम लोग डिफेंस पे बहुत भर भर के खर्चा किए इस बार। रेलवे की बात करें तो कैपिटल सपोर्ट आपको देखने को मिला 364,000 करोड़ के अराउंड किया गया है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फिल्म मेकर को एसएस मिलेगा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, और साथ में ईज ऑफ शूटिंग फिल्म। ओके, और बाद में रेगुलेटरी प्रोविजंस भी उनको दिया जाएगा जिसके थ्रू वो सेल्फ डिक्लेरेशंस करेंगे। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंटी कॉमकॉर्डिंग प्रोविजंस, जो कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत उनको एक कंट्रोल प्राइवेसी भी दी जाएगी, पायरेसी भी दी जाएगी। ओके, सो एमएसएमई की बात करें यहाँ पे ट्रेडर्स की तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशंस देखने को मिलेगा, जो भी इंक्रीमेंटल लोन होगी 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी के अंदर आपका स्मॉल और मार्जिनल इंटरप्राइजेस के लिए। डिजिटल अगर विलेज की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख विलेज बनाएगी, जो कि डिजिटल विलेज होगी आपका नेक्स्ट 5 ईयर में। अदर अनाउंसमेंट देखें तो यहाँ पे न्यू नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बनाया जाएगा, जो कि सपोर्ट करेगा नेशनल प्रोग्राम जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि न्यू अनाउंसमेंट हुई है। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसलिए हुआ है क्योंकि अब थोड़ा ही समय बाकी है, तो जो भी काम करना है गवर्नमेंट को तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस की गई है। ओके, अब एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की जो 5 साल हो चुकी है 2014 से 2019 में, तो यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो अगर इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे इंडिया यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, जिसमें कि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो फास्टली बढ़ा है 5 साल में। यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है आज के डेट में 6th लार्जेस्ट इकॉनमी के नाम पे काउंट हो रहा है, जो कि 2013-14 में कितना था, 11 था, यानी 5 पोजीशन हम लोग अप हो गए हैं। एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो भी हायर है अगर 1991 से देखें तो। गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशंस को ब्रोक कर चुकी है और इन्फ्लेशंस को डाउन करने में भी सक्सेसफुल रही है। एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 4.6% से भी कम रहा है। इन्फ्लेशन अगर दिसंबर में देखें तो 2.19% से भी कम रहा है। फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो ये भी आपका 3.4% से डाउन रहा है। कैट की बात करें तो ये भी आपका 2.5% से डाउन रहा है। इंडिया जो है
है काफ़ी अमाउंट में आपका FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट करने में सक्सेस रही है। इंडिया जो है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी का टैग ले चुकी है। यहाँ पर डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो था वो कंटेन है और यहाँ पर फिस्कल बैलेंस रिस्टोर किया गया है। लिबरलाइजेशन जो हुआ था FDI पॉलिसी में, यहाँ पर FDI को काफ़ी ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउ किया गया है। अब फार्मर्स के लिए देखें तो यहाँ पे MSP एश्योर्ड किया गया है जो कि 50% होगा सारे 22 क्रॉप्स में। पहले जो है आपका दो तीन क्रॉप में ही होती थी लेकिन अब 22 क्रॉप्स में 50% मिनिमम MSP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिला है जो कि लास्ट ईयर में डबल है। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया गया है। नीम कोटेड यूरिया जो है एक गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा फार्म सेक्टर में। अब लेबर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है एक्सपेंड की गई है। यहाँ पे मिनिमम इनकम अगर देखें तो हर एक कैटेगरी के वर्कर को इंक्रीज़ किया गया है 42%। पुअर और बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखें तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा जो भी पुअर पीपल है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है सारे हाउस होल्ड को जो कि सौभाग्य योजना के तहत दिया गया है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, जिसमें कि 50 करोड़ पीपल्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें कि आपके 115 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनकी डेवलपमेंट की बात की जाएगी। 1,70,000 करोड़ यहाँ पे स्पेंड किया गया है 2018-19 में, जिसके थ्रू चीपर फूड ग्रेन्स जो है वो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोगों को मिलेगा। 143 करोड़ LED बल्ब जो है प्रोवाइड किया गया है। पुअर और मिडिल क्लास की बात करें तो यहाँ पे 50,000 करोड़ जो है वो सेविंग हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। 10 लाख पेशेंट्स जो है वो बेनिफिट उठा चुके हैं आयुष्मान भारत से। जन औषधि केंद्र जो है यहाँ पे प्रोवाइड की है मेडिसिन जो कि अफोर्डेबल प्राइस में पुअर और मिडिल क्लास को। 21 में से 14 एम्स जो है आज के डेट में ऑपरेट हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो है वो ट्रिपल की है रूरल रोड्स कनेक्शन को। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देखें 50 लाख हैबिटेशंस जो है आपको देखने को मिलेगा। 17 लाख जो है कनेक्ट हो चुके हैं पक्का रोड से। 19,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिया गया था जो कि आज के डेट में पहले से ये बढ़ाया गया है। 1.53 करोड़ हाउस जो है आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे बिल्ड हुई है। ओके, अब वीमेन डेवलपमेंट में देखें जो कि वीमेन लीड डेवलपमेंट हुई है, यानी यहाँ पे LPG फ्री जो गैस कनेक्शन दिया गया है वो 6 करोड़ था, ये पूरी तरीके से अचीव कर ली गई है। अब 8 करोड़ इसको करने की मांग है। 70% जो मुद्रा लोन दिया गया है वो वीमेन को दिया गया है और मैटरनिटी लीव भी 26 वीक की दी गई है। फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है जितनी भी प्रेगनेंट वीमेन है प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंदर। यूथ के लिए देखें तो यहाँ पे 1 करोड़ यूथ जो है वो ट्रेन किए गए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बूस्ट हुआ है मुद्रा स्टैंडअप और स्टार्टअप इंडिया से। MSME और ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ लोन्स जो है वो आपको अवेल किया गया है एक घंटे से भी कम में टाइम में। 25% से 28% देखें तो एवरेज सेविंग्स जो है वो आपका GEM के थ्रू हुआ है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो है डबल हो गया है लास्ट 5 ईयर्स में। साथ में 80% जो ग्रोथ है इनकम बेस में वो भी देखने को मिला। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर स्पेशल बेनिफिट और इंसेंटिव दिया गया है जो भी स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप वाले कंपनीज़ हैं। ओके, GST की बात करें तो GST इंडिया को एक कॉमन मार्केट बनाई है। GST से आपका टैक्स बेस जो है इंक्रीज़ हुआ है, हाई कलेक्शन हुआ है और ट्रेड की ईज हो गई है। इंटर स्टेट मूवमेंट की बात करें तो अब फास्टर हो गया है, इफिशियंट हो गया है और हैजल फ्री है। रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव रिडक्शंस अगर टैक्स रेट में देखें तो यहाँ पर आपका 0 से 5% के टैक्स स्लैब में है। ओके, उसके बाद GST रेवेन्यू ट्रेंड भी इंक्रीज़ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिविल एविएशन में उड़ान स्कीम आई थी जिसमें कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है 100 क्रॉस हो चुकी है। लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो प्योंगयांग एयरपोर्ट बना है सिक्किम में, और डोमेस्टिक पैसेंजर भी जो है डबल हो चुके हैं। रोड की बात करें तो इंडिया जो है फास्टेस्ट हाईवे बना रही है। 27 किलोमीटर हाईवे जो है हर एक दिन बनता है और जितनी भी प्रोजेक्ट 10 साल से स्टक थी वो इस साल जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसे बॉगी व्हील रेल कम रोड ब्रिज आपको देखने को मिलेगा आसाम में जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगी। ओके, साथ ही वाटरवेज की बात करें तो यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि सागरमाला में बन रहा है कोस्टल एरियाज़ के अराउंड। और फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे कंटेनर फ्रेट मूवमेंट चलाया गया है जो कि कोलकाता में स्टार्ट हुआ है वाराणसी इनलैंड वाटरवेज में। ओके, रेलवे की बात करें तो सेफेस्ट ईयर है रेलवे के लिए और यहाँ पे अनमैंड लेवल क्रॉसिंग लगाया गया है। यहाँ पे सेमी हाई स्पीड यानी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है चलाया गया था। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि प्रमोट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को, फर्स्ट ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है,
यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है सोलर जनरेशन कैपेसिटी, जो कि 10 साल में आपको पहली बार देखने को मिला होगा। यहाँ पे क्रिएट हुआ है लैक ऑफ न्यू जॉब्स। ओके, डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशंस में देखें तो यहाँ पे 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो डिलीवर सर्विस किए हैं सिटीजन्स को। इंडिया जो है अब लीड कर रहा है वर्ल्ड में, जिसमें कि मोबाइल डेटा का कंजप्शन हो रहा है। मंथली कंजप्शन अगर मोबाइल डेटा का देखें तो यहाँ पे 50 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मेक इन इंडिया के अगर अंदर देखें तो मोबाइल और मैनुफैक्चरिंग जो कंपनीज़ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 2268 जो है अभी ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। जन धन आधार मोबाइल देखें या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में जो है 34 करोड़ जन धन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। आधार जो है अब एक न्यू यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड हो गया है। पुअर और मिडिल क्लास से जो गवर्नमेंट स्कीम्स है डायरेक्टली जो उनके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं उसको भी बेनिफिट किया है, उनको भी इस तरीके की बेनिफिट मिली है। कस्टम और ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर देखें तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ जो है 36 कैपिटल गुड्स पे जो है पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया था। डिजिटाइजेशन हो गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी जो है जिसके थ्रू लॉजिस्टिक इम्प्रूव हुई है। अगर करप्शन के अगेंस्ट में देखें कि क्या क्या स्टेप उठाई है, तो गवर्नमेंट ने जो है करप्शन को कम करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाई है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा फोकस किया गया। रेरा जहाँ पे आपका रियल इस्टेट चलता था और बेनामी ट्रांजेक्शन होती थी, वो भी अभी ट्रांसपेरेंसी के लिए रियल इस्टेट में लेकर आए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 का आया, जिसके थ्रू जो है हम लोग जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है हमारे देश से जो पैसा लेकर भाग जाते हैं उनको पकड़ के वापस लाने के लिए लाया गया है। गवर्नमेंट ने कंडक्ट की है एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में देखने को मिलेगा, जो कि कोल और स्पेक्ट्रम के लिए है। अब ब्लैक मनी को ड्राइव ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए क्या क्या किया है, तो यहाँ पे इनकम जो है वो डिस्क्लोज की गई है। जिसके पास 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको जो है इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लैक मनी लॉ के अंदर, फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर एक्ट के अंदर और डीमोनेटाइजेशन के तहत। बेनामी एसेट आपको देखने को मिलेगा, 6,900 करोड़ जो है यहाँ पे अटैच हुआ है। 18% जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट टैक्स में देखने को मिली। अब IBC में देखते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ग्रोथ कोड में, तो यहाँ पे आपका IBC जो है वो रिजोल्यूशंस फ्रेंडली मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट ने स्टॉप की है जो भी आपका फ़ोन बैंकिंग की कल्चर है, साथ ही गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है 4 आर्स अप्रोच, जिसमें कि रिकॉग्निशंस, रिजोल्यूशंस और रिकैपिटलाइजेशंस और रिफॉर्म्स है। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है जो भी आपका मेजर है क्लीन बैंकिंग स्कीम। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिकवर्ड की है 3 लाख करोड़, जो कि आपको देखने को मिलेगा बैंक्स और क्रेडिटर के फेवर में। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है 2.6 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन के फॉर्म में। क्लीननेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें की ट्रिब्यूट दिया गया है 150 ईयर्स, जो कि गांधी जी का था। फाइनेंस मिनिस्टर ने थैंक किया है 130 करोड़ इंडियंस को, जो कि ट्रांसलेट कर रहे हैं स्वच्छ भारत को नेशनल रिवोल्यूशंस में। इंडिया ने अचीव की है 98% रूरल सैनिटेशन कवरेज और 5.45 लाख विलेज में आपको देखने को मिलेगा कि जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ओपन डेफिकेशन फ्री। डिफेंस की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन जो है आपका इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें कि 35,000 करोड़ जो है ऑलरेडी डिस्पर्स की गई थी। मिलिट्री पे सर्विस भी जो है बढ़ाया गया। अदर अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्टॉप लगाया है, जिसमें कि क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस की जाएगी और साथ में हाई NPS को जो है लो करने की बात की गई है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज मूवमेंट हो गया है। अब की मैसेज देखते हैं कि इंटरिम बजट जो कि 2019-20 है की है, तो इसमें मैसेज क्या देने की बात कर रही है, तो हमें जो है रियलाइज़ करना है एक न्यू इंडिया 2022 तक। यहाँ पे हमको क्लीन करना है और हेल्दी इंडिया बनाना है। हमें इंडिया जो जहाँ पे फार्मर्स इनकम जो है वो डबल करनी है। हमें अपॉर्चुनिटी देनी है यूथ को और वीमेन को, जो कि अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके। हमें एक ऐसी इंडिया बनाना है जो कि टेररिज्म, कम्युनलिज्म और कास्टिजम्स, करप्शन और नेपोटिज्म से फ्री हो। ओके, सो विजन अगर हम लोग देख ले कि नेक्स्ट टिकट क्लिक क्या है, तो यहाँ पे इंडियाज की ग्रोथ पे फाउंडेशंस होगा, साथ ही यहाँ पे डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नेक्स्ट 5 ईयर में बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 8 ईयर्स में बनाने की बात की जा रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग 2013 की 10 डायमेंशंस देखें, तो यहाँ पे मैं हल्का सा बता देती हूँ कि आप यहाँ पे आपका सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका इंडिया पॉल्यूशन फ्री बनाने की बात की जा रही है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक्सपेंड किया जाएगा। क्लीन रिवर होगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगी, साथ में सागरमाला कोस्ट लाइन के अक्रॉस जो है इसको स्केल अप किया जाएगा। यहाँ पे आपका स्पेस प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे गगनयान हो गया, जिसमें कि इंडिया जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च पैड जो सैटेलाइट है, जिसमें कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को वो भेजे
स्ट्रेटेजिक स्पेस में 2022 तक। यहाँ पे इंडिया को सेल्फ सफिशियंट अपने फूड में होना होगा और हेल्दी इंडिया बनेगा आयुष्मान भारत के तहत। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा जिसमें कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की गई है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं हमारे इंटरिम बजट 2019 में। आई होप कि मैंने हर एक चीज़ को कवर की हूँ अच्छे से, आपको समझ में भी आई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एकदम फ्री हो आप कमेंट करने के लिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com। ओके, अगर आपको कोई भी और क्वेरीज है तो आप मुझे इसमें मेल कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बता दूं कि अगर आपको ये लेसन अच्छी लगे, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से जो एक PIB की रॉ मटेरियल होती है उसी को लेकर मैं डिस्कस की हूँ, तो कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ी नहीं हूँ। आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई भी डाउट क्वेरीज या सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।